रफ़तें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, तेरी ये उम्र खुदा और भी दराज करे। हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो, तुझे ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो। किसी भी मर्द की जिंदगी में बहार उसकी नेक बीवी से ही होती है। शौहर के लिबास से बीवी की नफासत और बीवी के लिबास से शौहरत शौहर की गैरत का पता चलता है। एक औरत की इम्तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। शौहर वो हस्ती है जिसको इस्लाम का कुछ पता हो ना हो, ये ज़रूर पता होता है चार शादियां करना उसका हक है। रिजक औरत के नसीब में होता है जबकि औलाद आदमी के मुकद्दर में। रिजक के लिए आदमी ना बदलो, औलाद के लिए बीवी ना छोड़ो। औरत की बर्बादी का वक़्त तब शुरू होता है जब इसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। बेहतरीन मियां बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते थे। किसी बाबा की शहजादी को इतना ना रुलाओ कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के सामने तुम्हें याद करके रोती रहे। थक गए हो देखो, परेशान मत होना, वो अपने बंदे को मसलसल तकलीफ में नहीं रखता। राख्ते जल्द नसीब होंगी इंशाल्लाह। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह करना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। कुराने पाक में मर्द और औरत की दोस्ती का जिक्र कहीं भी नहीं। इससे मुतल्लिक अल्लाह पाक ने फरमाया है और रजू जो तुम्हें पसंद हो इसके साथ निकाह करो। दोस्तों अगर आप क्यूवर्ड चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।